निग्रह सत्य खबर। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के विश्वविद्यालय में और हमारे साथ मौजूद है प्रिया चौधरी। इनसे हम जानेंगे कि जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के काम के खिलाफ, ये क्या है और आगे कब तक ये चलता रहेगा? ये जो आज प्रदर्शन है ये किस लिए किया जा रहा है? देखिए, जो दिल्ली का युवा है वो इस वक्त अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहा है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जो जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 500 स्कूल का वादा था, 500 में से 50 स्कूल भी नहीं बनाए, 5 नए स्कूल भी नहीं बनाए हैं, 20 नए कॉलेजों का वादा था, बच्चे हर साल कॉलेज में से निकलते हैं, हमारे पास सिर्फ 20-25 हज़ार नई सीटें होती हैं, 20 कॉलेज में से 2 कॉलेज की नींव तक भी नहीं रखी गई है, उसके अलावा गंदा पानी आता है, फ्री बिजली देंगे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए हमें, डेवलप दिल्ली चाहिए जिसका उन्होंने सपना दिखाया था और जिसके लिए एक बार सरकार गिरने के बाद दोबारा वो 67 सीट के साथ आए थे। तो वो वादे कहाँ पर हैं? अगली बार किन वादों के साथ आने वाले हैं? चंद महीनों की फ्री बिजली के लिए, चंद महीनों के लिए बसेज में मार्शल के लिए, महिला सुरक्षा के लिए अलग से क्या किया है? जितने भी सीसीटीवी की बात करी थी कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। कुछ सांसदों ने सीसीटीवी लगाए हैं, दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी लगाए हैं जो अब तक लगे हैं। तो वो फंड कहाँ पर है जिससे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया? ऐसा सीएम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक दिल्ली की डेवलप दिल्ली का सपना दिखाने वाला जो उसे एक्चुअल में कर सके, ऐसा सीएम चाहिए। केजरीवाल अगर अपने वादे पूरे नहीं कर सकते तो उन्हें इस बार जाना होगा। तो अगर बीजेपी सरकार आती है तो महिला सुरक्षा पर क्या कुछ कड़े कदम उठाएंगे? देखिए, कम से कम केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं किए जाएंगे, जो सीसीटीवी की बात हो रही है वो तो लगाए ही जाएंगे। इसके अलावा बसेज में किस तरह से सुरक्षा हो उसके ऊपर हमारा रियल जो सर्वे है वो चल रहा है कि महिलाएं एक्चुअल में कैसे चाहती हैं, वो सब किया जाएगा। पैनिक बटन के नाम पे जो एक धोखा ही किया जा रहा है उसको एक्चुअल में कैसे हर जगह पर इंस्टॉल किया जाए उसके बारे में किया जा रहा है। तो रियल सर्वे के आधार पे आप और मेरे जैसी महिलाएं जो बताएंगी हम उनको आधार बनाएंगे। ये थी कि हमारे साथ प्रिया चौधरी, जिन्होंने बताया कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ अजय जी मौजूद है जो बीजेपी नेता है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये प्रदर्शन है और आगे अगर बीजेपी सरकार आती है तो दिल्ली की जनता को क्या कुछ नई सौगातें मिलेंगी। जो आज हमने ये प्रदर्शन किया है, ये केजरीवाल सरकार जो दिल्ली के अंदर अपने सभी झूठे वादों को लेके प्रचलित हो चुकी है सभी जगह, कि किसी भी बात को इन्होंने अपना पूरा नहीं किया, जिनकी शुरुआत ही झूठ से हुई थी। जिस राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बनाया उस राज्यपाल को ही इन्होंने गलत साबित किया, गलत बोला, उसके बाद माफ़ियाँ मांगी। अन्ना हजारे इनको छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, एक एक करके इनके सभी नेता जो झूठ के आधार के ऊपर इन्होंने अपनी सरकार को चलाने की कोशिश की, ये जब अपने लोगों के ही नहीं हो पाए तो दिल्ली की जनता के मेरे को लगता नहीं हो पाएंगे। बाकी रहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का, तो हम जैसे ही दिल्ली की सरकार बनेगी एक साल के अंदर हम सभी सुविधाएं जो जो हम कमिट कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र जो हमारा बनेगा उसमें हम सब चीज़ों को पूरा करेंगे, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बच्चों की और सुविधा सुख सुविधा हो। इस तरह से किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि निगम में हमारी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में हमारी बीजेपी की सरकार है, बीच में वो जो अव्यवस्था फैल रही है इन लोगों ने अपनी गलत नीयत के कारण से काम को नहीं किया, केवल और केवल दोषारोपण करते रहे, कभी मोदी जी को लेके, कभी निगम को लेके। जो इनकी अपनी जिम्मेवारी है इनको वो पूरी करनी चाहिए थी, जो अब समय इनका घड़ा भर चुका है, अब इसका जवाब जनता देगी। निगम बीजेपी के अंडर आती है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी रोजाना ये आरोप लगाती है कि निगम का जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है, यानी कि दिल्ली में स्वच्छता के ऊपर अभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बताइए ना कि जो साफ सफाई के लिए निगम के जिम्मे आता है, आप बताइए कहाँ सफाई नहीं हो रही? सब जगह सफाई हो रही है, हर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह गाड़ियाँ आती हैं सुबह, वो अपना और तो और जो खल्ले खत्ते होते थे खुले में कूड़ा फेंकते थे उनको वहाँ भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें लग गई हैं जिससे खाद बनाने का काम हो रहा है। आप जाइए इधर की तरफ, ये आप लक्ष्मी नगर की तरफ जाइए और कहीं घूमेंगे तो आपको जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्ते दिखेंगे जहाँ मशीनें लगी हुई हैं। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, इसकी खाद भी बन रही है और इसको हम दूसरे उपयोगों में भी ला रहे हैं। तो इस तरह ये नहीं कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, आप ऊपर देख लीजिए केंद्र के अंदर जो जो हमारी जिम्मेवारी है मोदी जी ने वो सब पूरी की हैं एक एक करके। इस तरह ये झूठा आरोप है इनका, ये अपनी जिम्मेवारियों को सिर्फ छुपाने के लिए दोषारोपण कर रहे हैं।
विशाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि विरोध प्रदर्शन आखिर कब तक चलता रहेगा। ये चलता रहेगा जी, अब चुनाव हमारे पास है, नज़दीक है, हमें इस केजरीवाल की झूठी सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। इसके झूठे वादों से, इसकी झूठी नीतियों से पूरी दिल्ली परेशान हो चुकी है, दिल्ली बहुत पीछे जा चुकी है। इसके विधायक जितने भी हैं, एक एक विधायक जितने भी, कोई क्षेत्र में जाके कोई इन्होंने काम नहीं कराया। दिल्ली की जनता का बेहाल है, आप जाके देखो इनके विधायक अगर क्षेत्र में जाते हो, बिल्कुल भी कोई नहीं जाता है क्षेत्र में। और अब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, 4.5 साल हो गए, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, अब देखो इन्होंने क्या काम करा। चुनाव के टाइम में ये अपना होर्डिंग पोस्टर में पैसा लगाते हैं, हर जगह करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं करा इन्होंने। दिल्ली गंदा पानी पी रही है, जनता से पूछो तो ये स्वच्छ पानी हमारी मांग है। इन्होंने जो इन्होंने वादे करे थे, किसी वादों पे खरे नहीं उतरे, और इन्होंने बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर काम नहीं करा, बल्कि दिल्ली को 10-15 साल 20 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। तो ये थी बीजेपी नेताओं की बातें कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल की वजह से दिल्ली बल्कि आगे जाने की बजाय, विकास करने की बजाय बल्कि पीछे बैकफुट पर आ रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में क्या बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी सरकार पर कितना भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इन्होंने अपने मुद्दे रख दिए हैं कि केजरीवाल सरकार के जो काम है उससे दिल्ली वाले थक चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली वालों को बताना पड़ेगा क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई वो परेशान है उनके काम काजों से। तो इसके लिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है, हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या मानते हैं। और सत्य खबर को देखते रहिए, मैं दीपा राणा, सत्य खबर दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।